कुछ ही देर पहले यहाँ पे ताबड़तोड़ किस्म की बारिश हो रही थी और अब इतनी सख्त धूप और गर्मी हो गई है क्या मत पूछें। अभी मैं बाहर गया था ना कुछ देर पहले जब बारिश हो रही थी उससे पहले, शेंजन की गर्मी तो मसला है ही है, शेंजन की बारिशें भी बहुत मसला है। बगैर आपका भाई घर पहुंच चुका है और फुल भीग चुका है बारिश में। जब आपके घर पे बच्चे हों तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो घर को समेट के रखने की, लेकिन इस तरह गंद मचा ही रहता है। ये क्या किया है, सारे कार्ड्स बिखेर दिए हैं। इकट्ठे करो सारे, अब इकट्ठे करके वहां पे रखो, शाबाश। बेटा इतना अच्छा है ना जो गंद मचाया ना वो इकट्ठा कर रहा है। चलो मेरा बेटा शाबाश, वहां पे रखो जाके। अभी मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है अटेंडेंस के सिलसिले में। 1 hour later, एक तो बिल्कुल टाइम पे आपको शटल नहीं मिलती, पूरा हमारा डिपार्टमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के दूसरे कोने में, बंदे की ऐसी तैसी हो जाती है पहुंचते पहुंचते। अटेंडेंस इसलिए लगानी होती है कि आपका डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक लिस्ट भेजते हैं कि ये एम्प्लॉय जो है वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद है तो इसकी सैलरी जो है वो कंटिन्यू रहे। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वेकेशंस के लिए घर गए होते हैं और फिर इन टाइम वापस नहीं आते, तो जब उन्हें पता हो कि हमारी सैलरी रुक जाएगी तो वो कोशिश करते हैं इन टाइम वापस आने की। जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी क्या करते थे, वो छुट्टियों में पाकिस्तान चले जाते थे फिर जब मर्जी दिल करता था वापस आते थे, लेकिन उनकी सैलरीज जो थी वो चलती रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप यूनिवर्सिटी आ गए अटेंडेंस लगाओगे तो ही आपकी सैलरी कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज रोक दी जाएगी। पहले सिर्फ ये था कि आपको यूनिवर्सिटी गेट पे आके अपना कार्ड जो है वो टचअप करना होता था, दैट्स इट। लेकिन अब उन्होंने रिक्वायरमेंट ये रख दी है कि आपको डिपार्टमेंट आना है और इन पर्सन जो है वो साइन करके जाने हैं। क्योंकि इस तरह होता था कि जैसे मेरा कोई दोस्त पाकिस्तान गया है वो मुझे अपना कार्ड दे जाएगा और जब अटेंडेंस की बात आएगी तो मुझे बोलेगा कि मेरा कार्ड जो है वो गेट पर जाकर टचअप कर दो, तो उसकी सैलरी कंटिन्यू रहेगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए अब इन्होंने कहा है कि आपको इन पर्सन आना होगा, इसलिए आज मुझे अटेंडेंस लगाने आना था। अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई ना, इसलिए पूरा डिपार्टमेंट बिल्कुल वीरान है, फुल सन्नाटा। आपका भाई पूरी मिनी बस जो है वो
एग्जाम।